Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माय किच कुकिंग चैनल। आई एम सैयदा फरा और आज मैं आपको दही की कढ़ी बनाना सिखा रही हूँ, और बहुत ही सादा और सिंपल सी। और इसके साथ आज जो मैं पकौड़े इसमें डालूँगी वो वेजिटेबल पकौड़े होंगे। तो पहले दही, मैंने ये देखें आधा पाव दही लिया है, इसमें 7 टेबल स्पून मैंने बेसन डाल दिया है और मैं इसको मिक्स करूँगी। ये 1/2 टीस्पून हल्दी है मेरे पास, हल्दी इसमें ज़्यादा डलती है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन है मेरे पास, आप चाहें तो पिसा हुआ ताज़ा लहसुन ले सकते हैं, लहसुन प्याज पीस के भी डाल सकते हैं, पिसी हुई प्याज भी डलती है, लेकिन मैं झटपट बना रही हूँ। ये ज़ीरा है, कच्चा ज़ीरा पिसा हुआ है 1 टीस्पून। ये एक अदद प्याज है ऐसी रफली चॉप हुई हुई कटी हुई। ये मेरे पास है 2 टीस्पून लाल मिर्च है, 2 टीस्पून लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है। तो अब इसको मिक्स करते हैं। और बाज़ लोग पहले बघार लगाते हैं, मुझे वो तरीक़ा पसंद नहीं है तो मैं नहीं बना रही हूँ। और इसके साथ सादा चावल बनते हैं, आप मिर्चें तल लें, अचार, सलाद, पापड़, जो कि आपकी मर्ज़ी हो। ये देखें इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें पानी डालना है, करी जितनी आप पानी ज़्यादा डाल के पकाएंगे बेसन का कच्चापना दूर होगा और कई मज़ेदार बनेंगे। ये देखें, और अब इसको बहुत अच्छी तरीके से, अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, जब ये आधी पक जाएगी तो मैं जब इसमें नमक यूज़ करूँगी। आधा पाव दही, 7 टेबल स्पून बेसन, छनावा, लाल मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन, कच्चा ज़ीरा पिसा हुआ, एक अदद प्याज, और ये देखेंगे कड़ी पत्ते हैं मेरे पास, ये कड़ी पत्ते भी डाल रही हूँ मैं इसमें। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी, टेस्ट डेवलप होगा कड़ी का मज़ेदार। देखें पानी मैं इसमें ज़्यादा डाल रही हूँ ताकि ये हल्की आंच पे बहुत अच्छी तरह पके। ये देखें, और इसको मैं कवर करके पकाऊंगी, और इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया अभी डाल दे रही हूँ ताकि हरे धनिया की भी खुशबू मज़ेदार लगे, और इसके डंठल भी डालूंगी धनिए के। इसमें कैल्शियम होता है, इसमें बहुत अफादियत है इसके डंठल में, और गार्निशिंग के लिए वो मैं आपको बता दूंगी मैं किससे गार्निश करूँगी। और कड़ी पत्ता आपको साबुत डंठल के इसके चैम के साथ डालना है, उसमें भी बहुत प्यारी खुशबू होती है। तो बस ऑन करते हैं चूल्हे को, ऑन करते हैं, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको हज़ार दफ़ा मैंने कहा है कि खाना पकाना मेरा शौक़ है, जुनून है, आप नहीं देखेंगे जब भी बनाऊंगी मैं, आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कैमरे को ख़रीद ले आते हैं ताकि आपको कड़ी की लुक बेहतर नज़र आए। ये देखिए, और मेरी एक बहन है प्यारी सी, सब्सक्राइबर हैं, बहन हैं, जो समझें आप,
तो एक बात और, कढ़ी में कभी भी धात वाला चमचा यूज़ नहीं करना चाहिए। मेरी सब्सक्राइबर हैं सैयदा हदीना यूसुफ, और उन्होंने कंप्लेन की, शुक्रिया दीना आपने मुझे मेरी गलती की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई। मेरा कैमरा आपने कहा पिज़्ज़े के रेसिपी में, तो मेरी छोटी बहन, प्यारी सी बहन, कैमरा मुझे खुद हैंडल करना है। मैं बिल्कुल इस फील्ड में नई हूँ, मैंने आज तक मोबाइल का कैमरा नहीं चलाया कभी भी, मुझे शौक ही नहीं था इस सेल्फी वगैरह का। तो मुझे ये ट्राईपॉड में लगाना बहुत मुश्किल लगता है, और मैं बनाने के लिए स्टार्ट करती हूँ तो ये देखना भूल गई कि मेरे कैमरे का एंगल क्या चल रहा है। तो कोशिश करूँगी आइंदा आपको क्लियर वीडियो मिले। तो ये देखें कढ़ी चढ़ गई है, इसको मैं कवर कर दूंगी, बगैर कवर किए नहीं पकाना है इसको। सफाई की पॉइंट ऑफ व्यू से केस हम ढक के भी इसको ऐसे करके करेंगे ताकि ये गिरे ना। ये देखें इसको ऐसे कवर कर देते हैं। अब आते हैं पको, और इसके बघार का मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने बघार में, ये देखें ये मेरे बघार में है, कड़ी पत्ता, राई, लहसुन, साबुत मिर्चें, प्याज, आप चाहें तो अदरक भी ले सकते हैं। तो अब मैं आपको पकोड़ों में क्या क्या डालूंगी ये बताती हूँ। पकोड़ों में मैं बंद गोभी का इस्तेमाल करूंगी, आलू, प्याज, हरा धनिया, बहुत सारा हरी मिर्चें। तो अब इसको पकने देते हैं, फिर ये जब मोट जाएगी तो मैं इसकी आपको लुक बताती हूँ। ये देखें पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, और ये फ्राई होते हैं फिर मैं आपको उसका लुक दिखाती हूँ। देखें ये मैंने पानी रखा है, इसमें रखी हूँ इसमें, और सब पकौड़े निकाल के ये डायरेक्ट मैं कढ़ाई में नहीं उसमें नहीं डालूँगी। ये देखें ये निकालने के बाद इसको पानी में डालूँगी, मैं डायरेक्ट कढ़ी में नहीं डालूँगी। ये देखें कलर आ चुका है, ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्की आँच पे, दरमियानी आँच पे पकाना है इसको। बहुत तेज़ आंच पे ये कच्चे रह जाएंगे और कलर तो आ जाएगा। ये देखें अब इसी तरह तमाम मैं डाल के निकाल लूँगी और कढ़ी में डालूँगी, और बघार लगा के आपको दिखाती हूँ कढ़ी का, तो डिश आउट करूँगी मैं आपको डाल के पानी में दिखा देती हूँ। ये देखें आप देख सकते हैं ये पानी है, इसको मैं इसमें डाल दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। पानी बाज़ लोग कढ़ी में डाल के पकाते हैं, बिल्कुल गलत तरीक़ा है, उससे पकोड़े बजाय नरम होने के सख्त हो जाते हैं और उनमें गांठें बन जाती हैं। मैंने अक्सर देखा है कढ़ी में डाल के भी पका रहे होते हैं। बघार लगाने के बाद भी नहीं पकाना चाहिए, दूसरी ट्रिप भी डाल देते हैं। आपका दिल चाहे चमचे से डालें, बड़े बनाएं, छोटे बनाएं, आप पे डिपेंड करता है आपके घर में कैसा खाया जाता है। मैं आपको तरीक़ा बता रही हूँ, कभी कभार अपने तरीक़े से बना बना के दिल भर जाता है, तो आप ऐसे ट्राई करके देख लें, अच्छी लगे तो कमेंट्स करें, मेरी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, जो पकाने के में इंटरेस्ट है वो उनको दिखाएं। तो ये मैं सब करके डाल के फिर आपको कढ़ी में इसका डिश आउट करके, ये देखें कढ़ी आ चुकी है, ये देख लें कितनी पकी है ये पक पक के। और आज मैं आपको इसी में इसकी सर्विंग बताऊंगी कढ़ाई में, आप देख
ये देखें कितनी गाढ़ी हो गई है। अब मैं ये देखें जो पकोड़े हैं इनको ऐसे कर करके इसमें डालती जाऊंगी। और पकोड़े इसमें डाल के बिल्कुल ना पकाएं, बहुत सख्त हो जाते हैं। मैंने देख लें सोडा भी नहीं डाला है, ये देख लें पकोड़े कच्चे भी नहीं है, ये देख लें। शादी से पहले की एक आपसे मैं अपनी बात शेयर करती हूँ। मेरी छोटी बहन है, जब वो ऐसी कढ़ी बनती थी ना, वो इसमें ऐसी कच्ची ऐसी कढ़ी लेके उसमें पकोड़े डलवा के और हरे धनिया की डंठल जो होती है ना, वो बहुत शौक से खाया करती थी। जब मैं या मेरी बहन कढ़ी बनाते थे तो उसका प्याला अलग से बनाया जाता था। तो आज मैं जब कढ़ी बना रही हूँ तो मुझे अपनी छोटी बहन की बहुत याद आ रही है। कोई भी बनाए कढ़ी, पहले ही पता होता था कि छोटी बहन के लिए निकालना है, छोटी बहन खाएगी। तो एक तरफ हम बघार चढ़ा देते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। बघार के लिए मैंने पैन चढ़ा दिया है और पकौड़े डाल लेते हैं। मैंने इसमें कोई सोडा इस्तेमाल नहीं किया है, अभी बता दे रही हूँ आपको। ये देख लें पकोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं कढ़ी में। ये देखें, अक्सर तो जब घर में कढ़ी बनती थी तो आधे तो हम बहन भाई ऐसे खा लिया करते थे, कढ़ी के जो पकोड़े हुआ करते थे। जब खाना रेडी होता था तो उसमें पकोड़े नहीं होते थे। शादी से पहले की यादें जो होती हैं वो जो मेमोरीज होती हैं वो बहुत खूबसूरत होती हैं। शादी से पहले की जो मेमोरीज होती हैं, बहन भाई शाम की चाय, जो बहन भाई के साथ पीने में मज़ा आता था, इसको कवर कर देती हूँ। और अब बघार की तरफ आ जाते हैं। ये देखें बघार में मैंने लहसुन, कड़ी पत्ता, राई, मेथी दाना, एक छोटी सी प्याज है और ज़ीरा। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कुछ और डालना चाहें बघार में तो डाल सकते हैं, और अदरक भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी इस टाइम अदरक नहीं है तो मैंने अदरक नहीं डाली है। बाज़ लोग पिसी मिर्चें भी डाल देते हैं बघार में ही, आप चाहें तो डाल लें, मैं नहीं डालती हूँ। लोगों को देखा है मैंने ये सब डालते हुए। बघार की तैयारी करते हैं, और कभी भी हरा धनिया हरी मिर्चें पहले से ना डालें, बघार के बाद डालें, वरना वो मुरझा जाते हैं। बघार की खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। और आपको मैं कढ़ाई में ही बता दूंगी गार्निशिंग कि कैसा लुक आया है, आप भी घर में ट्राई करें अपने बहन भाइयों, और कमेंट्स बॉक्स में मुझसे अपनी एक मेमोरी शेयर करें कि शादी से पहले बहन भाइयों की शरारतें और खेल कूद, ज़िंदगी के सुनहरी मेमोरीज बचपन ही होती है शादी से पहले की। शादी के बाद तो जिम्मेदारियां आ जाती हैं, भले आप छोटे हों बड़े हों, घर में किसी एक पे जिम्मेदारी नहीं आती है, सब बहन भाई मिल बांट के माँ बड़ी बहनें घर संभालती हैं। लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं है, आपको अकेले सब कुछ करना होता है, भले आप बीमार हों हर हाल में घर संभालना होता है, फिर बच्चे हो तो फिर बच्चों के साथ बिजी लाइफ हो जाती है, आप चाहें ना चाह के भी आपको सब कुछ करना पड़ता है।
और ये बघार रेडी हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, कसूरी मेथी नहीं, मेथी दाना डालती हूँ, इससे एक बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। आप देख लें कड़ी की लुक, देख लें आप, ये देखें। अब इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें डालेंगे, ये देखें। और मैंने इसके साथ बॉइल्ड राइस बनाए हैं, और देखिए कड़ी में हरी मिर्चें गोल करके डाली, ये देखें। तो ये झटपट कढ़ी रेडी है, आप भी घर में बनाएं, खाएं, खिलाएं बहन भाइयों को। अगर आप मैरिड हैं तो अपने ससुराल वालों को खिला के दांत वसूल करें। देख लें आप इसका, और मैंने इसके साथ बॉइल्ड राइस तैयार कर लिए हैं, और अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा दे रही हूँ। और ये बहुत अच्छी खट्टी खट्टी मज़ेदार कढ़ी रेडी है, और इसके साथ ही सैयदा फरन, और ये देखें कढ़ी का लुक देख लें, और घर में ट्राई करके मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स के ज़रिए कि इसमें आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है। और इसके साथ ही सैयदा फरन और शाद को इजाज़त दें इस दुआ के साथ, जहां रहें अपनों में रहें, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी एक प्यारी सी शादी से पहले की मेमोरीज में से शेयर करें। फिर मैं आपके नाम के साथ अपने कुकिंग के प्रोग्राम में आपके नाम के साथ आपकी मेमोरीज शेयर करूंगी। तो इजाज़त दें, जहां रहें खुश रहें, और आज कढ़ी चावल बनाएं। मैंने भी बॉयल राइस तैयार कर लिए हैं, और इस चलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह टू ऑल।